Assalamualaikum with my another video. You can check how I create today in today's video Melissa logo design. So you can check. Firstly, I selected two fonts. पहले मैंने दो फॉन्ट सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि M हो गया एंड C. देन उसको क्रिएट करेंगे, एक डिज़ाइन की शेप देंगे विद डिफरेंट फॉन्ट्स, देखेंगे अगर फॉन्ट ठीक लग रहे, नहीं तो फिर खुद बनाएंगे. अब देखिए इसमें फॉन्ट थोड़े मिल गए मुझे, ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसी से मैं क्रिएट कर लूँगी. जिससे दोनों मैं पहले ये आइडिया बना लेती हूँ कि किस से किस को, मतलब कौन से मतलब अल्फ़ाबेट्स इसमें सूट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, तो फिर उस हिसाब से सोचती हूँ. अब इसमें दोनों में सब कुछ बन जाएगा, इसीलिए अब आप चेक कर सकते हो. इसको ज्वाइन किया है AMCLI ऑल आर इन वन इन टू नॉट इन वन या इस वीडियो में मेरी रिकॉर्डिंग में आपको सब कुछ मिल रहा है कि आप इसमें चेक कर सकते हो मैंने कहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे नहीं. इन पिछली वीडियो में मेरा कुछ स्क्रीन पे शो ही नहीं था हो रहा कि आपको कुछ पता लग सके कहाँ पे मतलब आपको शो हो रही है चीज़ें, कहाँ पे नहीं, तो मतलब कहाँ पे मैं जा रही हूँ कहाँ पे नहीं. तो इसमें सब कुछ आपको शो हो रहा है, आप क्लियरली चेक कर सकते हो उस वीडियो में. अब इसमें मैंने सबसे पहले मैंने इस फॉन्ट को कंबाइन किया दोनों को, देन उसके बाद मैंने जॉइन किया, फिर उसके बाद अब इसमें डिज़ाइंस क्रिएट कर रही हूँ. जॉइनिंग करते टाइम ही मैंने कुछ स्पेसेस को छोड़ दिया था अकेला, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन बन गई है, डिज़ाइन की शेप आ गई है. आप दोबारा वीडियो में जाके देख सकते हो. अब इसमें आई रह गया है, इसको आई को भी पुट कर दिया है. देन उसके बाद आई का भी स्ट्रोक बड़ा कर लिया है और इसको चेंज कर दिया, इसका स्ट्रोक, उसकी शेप. आफ्टर देन सम इन पॉइंट्स को इलादा कर दिया एम, थोड़ा बेटर लुक देने के लिए. उसके बाद अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं, चलें नेक्स्ट. फिर चलते हैं आगे फ़ोटोशॉप पे कि कैसे मैंने मॉकअप्स पे लोगों को ऐड करना है. अब इस वीडियो में वो भी आपको पता लगेगा, पिछली वीडियो में आपको ये भी नहीं था पता लगा कि कैसे ऐड किया, कहाँ ऐड नहीं किया, कहाँ नहीं हुआ. और इसके बाद भी स्पेशल अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मैं बना दूँगी, कोई इशू नहीं है. अभी फ़िलहाल आप इस वीडियो में ही देख सकते हो कि कैसे मैंने मॉकअप पे किसी इमेज पे कैसे लोगों को ऐड किया, लोगो डिज़ाइन को. अभी आप देख सकते हो एक्सपोर्ट कर रही हूँ, उसके बाद फाइल को भी सेव कर लिया मैंने. देन उसके बाद अब फ़ोटोशॉप पे जाएंगे. चलें जी, आ गए हम फ़ोटोशॉप पे. अब इस इमेज पे कैसे लोगों को ऐड करना है, यहाँ से हम ओपन करेंगे अपना लोगो, फाइल से जाके ले लेंगे. हाँ, अब हमने यहाँ से लोगो ले लिया, उसके बाद ये देखें यहाँ से कॉपी किया, उसको कॉपी रहने देना है. और देन आपने जाना है फिल्टर में और फिर जाना है वैनिशिंग पॉइंट पे. वैनिशिंग पॉइंट पे जाके यहाँ पे पेस्ट करना है. पहले आपने सेट कर लेनी है उसकी जगह, जिस जगह पे आपने पुट करना है. देन उसके बाद उस लोगो को पेस्ट करके छोटा करके कंट्रोल टी दबाना है. फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है. ये एडजस्ट हो गया और ये बन गया हमारा मॉकअप डिज़ाइन विद लोगो. अब अनदर डिज़ाइन पे भी क्रिएट कर लेते हैं दो तीन और डिज़ाइंस. ये पहले मैंने सेव करके कुछ रखे हुए हैं डिज़ाइंस, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, इजीली हो. इस तरह तो बंदा बहुत लेट हो जाता है, दोबारा लेके आए, दोबारा करे. तो इसलिए आसानी के लिए पहले ही आप एक फ़ाइल में सेव कर लें. ये देखें यहाँ पे दोबारा इसको पहले मैंने एडजस्ट किया कहाँ पे ऐड करना है, फिर इसको बड़ा कर लिया. ओह वेरी सिंपल, यू कैन चेक हाउ टू क्रिएट डिज़ाइन विद मॉकअप्स. इट्स वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं, इतना मुश्किल नहीं है. ये पहले मैंने क्रिएट किया था, कुछ आगे पीछे हो गया था, फिर दोबारा किया अभी इसको. इट्स वेरी सिंपल, इतना कुछ डिज़ाइंस और भी ले लें आप. लोगों को बहुत ईजी है, आप किसी मॉकअप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको, किसी मतलब जैसे कि फ्री वेबसाइट्स हैं बहुत सारी मॉकअप्स की, उनमें से मॉकअप्स डाउनलोड कर लें. या फिर आपको अपना मॉकअप बनाना है, कोई इमेजेस ले लें, ठीक है, जो आपको पसंद है गूगल से ले लें,
लाइसेंस फ्री होनी चाहिए, लाइसेंस नहीं मतलब देना जिसमें आपको पैसे ना पे करने पड़े, वो उसके बगैर वाली आप ले लें, वहाँ से डाउनलोड कर लें या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें इमेजेस जो भी आपको अच्छी लगती हैं इस तरह, तो उनको आप लेके अपना मॉकअप बना लें डिज़ाइंस, तो उस पर आप लोगो ऐड कर सकते हैं। कितने प्रीटी लगते हैं ये लोगोस फिर इनके ऊपर, आई ट्रूली लाइक्ड सो मच। चले फिर नेक्स्ट मिलते हैं विद नेक्स्ट अनदर वीडियो विद डिफरेंट लोगो डिज़ाइन। अल्लाह हाफिज़।